Hi everyone, this is Faiz again, founder of Macro Pakistani. हमने ट्रेड की थोड़ी सी बात कर ली, बैलेंस ऑफ पेमेंट की थोड़ी सी बात कर ली, तो अब एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, which is relevant to both kinds of deficits that we experience. एक्सचेंज रेट जो आपने टिपिकली देखा होगा न्यूज में, डॉलर 160 रुपए का है, दैट्स द नॉमिनल एक्सचेंज रेट. एक और किस्म का एक्सचेंज रेट होता है रियल एक्सचेंज रेट, जो कि एडजस्ट करता है फॉर प्राइस, फॉर इन्फ्लेशन. एंड बेसिकली दोनों में फर्क ये है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो मेजर करता है कि आप कितनी किस वैल्यू पे करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं. रियल एक्सचेंज रेट जो देखता है वो देखता है आप कितनी वैल्यू पे गुड्स एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट. आगे जाके थोड़े से मैं नंबर्स दूंगा एंड इट विल मेक मोर सेंस, बट थिंक ऑफ इट एज जस्ट एडजस्टेड फॉर प्राइस इन पाकिस्तान. अब आइडियली आपको ये जो एडजस्टेड फॉर प्राइस वाला नंबर है, या आप जितने भी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते उसके साथ आपका ये नंबर होता. You will have it with China, with the US, with Japan, with Europe, with all the countries that you trade with. But ये calculate करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो State Bank of Pakistan एक number report करता है इसको आसान करने के लिए. Real effective exchange rate that takes into account, it's an index that takes into account bilateral trade with a lot of different countries, around 30, और उनको assign करता है weights, importance, proportion define करता है कि China के साथ, for example, हमारी trade बहुत ज़्यादा है, चाइना के साथ हमारा कंपटीशन भी है थोड़ा बहुत और मार्केट्स में, तो उसको ज्यादा वेट मिलता है उसकी करेंसी को इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बास्केट. अब इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट, जो आपको नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो पीकेआर टू यूएसडी टर्म्स में होता है. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विल हैव नो नंबर, इट्स एन इंडेक्स, सो नो यूनिट एज सच. अगेन लेट मी गिव यू अ फ्यू नंबर्स ताकि ये सारी चीजें थोड़ी सी और सेंस बनना शुरू करें. So let's take a t-shirt in Pakistan cost 800 rupees. The same t-shirt, almost the same t-shirt costs $10 in the United States. Okay, agar aap dollar ka exchange rate dekhe, nominal exchange rate, wo hai PKR 162 or USD. To wohi shirt, $10 wali shirt jo hai, actually 1600 rupi ki hai. Pakistan mein 800 rupi ki hai, udhar 1600 rupi ki hai. Right, so the real exchange rate with the United States is 2 in this case. I'm making up these numbers. So what, when you are trading or when you are buying, you will consider this number. Ki acha main agar ek US ka good bechta hu, usse main do Pakistani goods khareed sakta hu. That's the exchange that's important for people to understand, rather than oh dollar 160 ka hai, right? Ye traders ki main baat kar raha hu, that's what they keep into account. Ab इसमें दो चीजें समझने की हैं कि एक तो ये कि ये मैंने सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल दिया, एक्सपैंड दिस एग्जांपल टू ऑल द अदर कंट्रीज दैट यू आर ट्रेडिंग विद, और उनके साथ जितने भी गुड्स एक्सचेंज और वो जो आपकी भी पोटेंशियल वैल्यू है वो सब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में पोर्ट्रे होगी. ये एक बात हो गई. दूसरी बात कि नॉर्मल एक्सचेंज रेट जब ऊपर जाता है, सो पीकेआर जब 152 डॉलर से 162 डॉलर जाता है, ये हम उसको बोलते हैं डिप्रिशिएट की है ये करेंसी, क्योंकि ऊपर जा रहा है आपको और पाकिस्तानी रुपए चाहिए होंगे एक डॉलर खरीदने के लिए, राइट. दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में उल्टा होता है, राइट. इसी एग्जांपल में अगर मैं पाकिस्तानी प्राइसेस बढ़ा दूं, वो 800 से उसको 1000 ले जाऊं, जो शर्ट की प्राइस थी, तो हमारा रियल एक्सचेंज रेट अगर वो देखेंगे तो वो कम हो जाएगा, राइट. सो बेसिकली इट विल स्टार्ट डिप्रिशिएटिंग इफ द वैल्यू गोज डाउन, right? Nominal exchange rate, value goes up, depreciates. Real effective exchange rate, value goes down, it depreciates. So it's go basically opposite directions mein chalna hota hai. Ab Pakistan ke case mein agar aap 2018 se pehle dekhe na, and you start mapping the data out, you will see ki aapka real effective exchange rate increase kar raha hai, right? Pakistan mein inflation bahut thi, bahut nahi chale, kafi extent tak thi, your goods were becoming more expensive, lekin aapne nominal exchange rate ko constant rakha. $100 का ऑब्सेशन था पाकिस्तान में काफी टाइम तक, तो आपने उसको कांस्टेंट रखा. इस सिचुएशन में क्या होता है कि योर एक्सपोर्ट स्टार्ट बिकमिंग एक्सपेंसिव एंड योर इंपोर्ट स्टार्ट बिकमिंग चीपर, ऑल द वाइल आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट 100 लग रहा है, आपको कुछ फर्क ही नहीं समझ में आ रहा. तो यही हुआ पाकिस्तान में कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल पार्टनर्स स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट पाकिस्तानी गुड्स आर बिकमिंग अनकंपेटिटिव, एंड दे हमारी एक्सपोर्ट जो है स्टैग्नेट करना शुरू कर गई, हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई. And that's how
we ended up in the crisis that we discussed last time. If you guys have any questions, feel free to ask.